अभी हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कुरूर गांव में है और बता दें कि लगभग इस फैमिली के 50 लोग वोटर हैं और कहा ही जाता है कि जहां ये वोट डालते हैं गांव का निष्कर्ष वही निकलता है। आइए जानने की कोशिश करें किस मुद्दे पर इस बार वोट दिया गया है। देख सकते हैं काफी महिलाएं भी हैं, हमारे साथ में युवक भाई भी हैं और देख सकते हैं घर के बुजुर्ग लोग भी हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं इस बार वोट किधर गया है और क्या सच में अब काराकाट का विकास होगा। आइए देख जुड़ते हैं, क्या नाम होगा भाई? राघव सिंह भैया। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट दिया गया इस बार? अभी मुद्दा हम लोग बहुत 15 सालों से देख रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी जीता है, माले का भी जीता है, सबका जिताते हम लोग थक गए। विकास का पहला अक्षर हम लोग बी भी नहीं देख पाए और हम लोग से ये तंग आकर लास्ट में हम लोग को निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चर्चित चेहरा आए, उस कारण हमको देखना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कोई वोट इधर होगा उधर होगा, पवन सिंह एक तरफा 1.5 लाख प्लस से लीड कर रहे हैं, अभी लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, आपको गारंटी के साथ देते हैं। वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए भैया, शुरुआती फर्स्ट वोट मारे हैं। फर्स्ट वोट मेरा था, निर्दलीय मारे हैं फर्स्ट वोट अपने गांव का। क्या है इधर हवा, क्या हवा? देखिए अभी हमारे बूथ पर टोटल 1200 पोल हुआ है वोट, जिसमें 950 अभी पवन सिंह के पक्ष में है। अच्छा, बाकी में सब है, सब लोग है, बाकी में सब लोग है। अभी अब ऊपर क्या होता है आगे देखते रहे, अभी इसी तरह से बढ़ती ही है। देखिए चाची है, चाची थोड़ा दिखाइएगा, पहले वोट मार दिए हैं? हाँ मार दिए हैं वोट। पवन सिंह पर कैंची छाप, कैंची छाप। अच्छा कैंची छाप ही क्यों मारे हैं? क्योंकि इधर तो मोदी जी भी हैं, कुशवाहा जी हैं, उन्हें लालू जी का पार्टी भी है, उसी पर मारे हैं कैंची छाप, पवन जी पर। पवन जी पर, हाँ। कुछ विशेष पवन सिंह ही क्यों? क्यों अपना अथी से जाति भाई है, पवन हवा का झोंका है, पवन को कोई रोक नहीं सकता है। बाकी मोदी जी रह गए, लालू जी रह गए, कुशवाहा जी रह गए, वो लोग तो आते हैं जाते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन पवन पवन है, पवन पवन है। किन मुद्दे पे अब भी अजी चचिया जी आगे आ गया जी, आइए आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे जी, आप आजिए यहाँ आजिए यहाँ आजिए। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पर इस बार वोट गया है कुरूर गांव से? हम लोग को बहुत उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? उम्मीद है हम लोगों की पवन जी आएंगे तो विकास लाएंगे, उम्मीद है पवन जी, पूरा विश्वास है, विश्वास है। जो ये आज वोट पड़ रहा है, ये निर्णायक वोट होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो क्या लग रहा है कि बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा। अम्मा वोट मार दिए हैं, वोट मार दिए हैं, मार दिए हैं, दिखाइए उंगली। अच्छा घर में कितने लोग वोट मारे हैं? कितने लोग? कम से कम 25 आदमी, 25 आदमी घर के लोग वोट मारे हैं। तो क्या लग रहा है किस मुद्दे पे इस बार वोट मारे हैं? आप तो काफी बुजुर्ग हैं, देखे होंगे कि ई आए ऊ गए, इनको वोट मारे, उनको वोट मांगे। नहीं नहीं, पवन जी के वोट मराया, पवन जी को, पवन जी को 12 नंबर, 12 नंबर पर पवन जी का वोट मारे हैं हम लोग, मार कर चले हैं। पवन जी पर ही क्यों वोट मारे हैं? और भी तो काफी प्रत्याशी थे। नहीं प्रचार तो किए थे, तो वो भी सर मराया, कैंची छाप पर मराया, पवन जी का पर मराया। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार वोट मारा गया है? पवन सिंह पर मारा है कि इसलिए कैंची छाप के आएंगे तो माने बिहार के अथी करेंगे, काराकाट का, काराकाट के नाम। अभी तक हम लोग कहीं हम लोग जाते थे, पूछा जाता था कि आप लोग कहाँ से हैं, तो काराकाट के बारे में बताते थे, कोई नहीं जान पाता था कि काराकाट कहाँ है बिहार में। लेकिन अब कहीं भी जा रहे हैं बता दे रहे हैं कि काराकाट से हैं, तो सबसे पहले यही बर्ड निकल रहा है जहां से पवन सिंह खड़ा है। एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि यहां से जो पवन जी का हवा चल रहा है, जो पोल चल रही है, सर्वे पोल, क्या लग रहा है? 99% पवन जी का ही, 99% बस 1% ही है जो शक है, बाकी 99% है कि पवन जी को वोट मार चुके हैं, बस वोट मार चुके जी, वोट अभी अम्मा वोट मार चुके हैं। आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? हम लोग हैं 12, और पुरुष भी लगभग 25-30, बच्चे मिलाकर, बच्चे मिलाकर, बच्चे लड़कियां और जेंट्स मिलाकर, हाँ। और सारा वोट हम लोग, हाँ, कैंची छाप, कैंची छाप जी, अब की बार सब लोग कैंची छापे, आप भी युवा लोग को लफुआ कहा गया, कई तरीके की बातें कही गई, ये ही बात उनको हराने के लिए जा रहे उपेंद्र कुशवाहा को, कि 18 से 25 वाले जो लफुआ है वो लफुआ ही, अब दिखाएंगे कि क्योंकि क्या है लफुआ की पावर क्या होती है। वो लफुआ की पावर देखिए आप पवन सिंह के साथ, जो वो पवन सिंह के साथ तो लफुआ नहीं है, वो प्यार है उनका, कि वो उनके साथ घूम रहे, उनके लिए अपना प्यार दिखाने का वो
वो प्रयास है वो पवन सिंह के लिए। 18 से 25 वाले जो लपुआ है, यही 18 से 25 वाले को आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको दुत्कार कर भगा दिया जाता है। अब बताइए 2014 से कहाँ रोजगार दिए आप। उपेंद्र कुशवाहा से ले लीजिए, केंद्र में भी रहे 2 साल के बाद उपेंद्र कुशवाहा कोई पार्टी में टिकते हैं? अब देखिए 2 साल उनका इतिहास है, 2 साल से ज्यादा किसी दिन नहीं टिकते हैं, कहीं पर नहीं टिकते। उसके भगोड़े नेता पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम लोग नया चेहरा बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ना वो खाने वाला है ना चुराने वाला है, वो भैया वो देने वाला है, खुद के घर से देने वाला है। अगला बॉन्ड पेपर आपको एग्रीमेंट पर लिखने के लिए तैयार है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? कोई आपके यहाँ कोई आया है कि हम एग्रीमेंट कर देते हैं, ये काम करवाइए? नहीं करा पाते हैं, कोई घूमता तक नहीं था। लोग आज राजाराम का नाम जाना है, पहली बार अभी हम 90% के साथ कह सकते हैं कि 90% लोग राजाराम का नाम इस चुनाव में जाना है, ये तो देखा भी नहीं है। वजह क्या रही? वजह रही कि भैया उन लोग पार्टी के नाम पर टिकट लेता है, विकास नहीं करता है। आप गिन के दिखाइए ना, 5 काम हमें दिखा दीजिए, दोनों का 5 काम दिखाइए, नहीं मिलेगा। ये देखिए साफ तौर पर ये जो फैमिली दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ की, लगभग 40 लोग इनके फैमिली में, और सभी लोग वोट मार चुके हैं, कई लोग वोट मारने भी गए हैं। दिखाने का मकसद मात्र इतना था कि इस बार काराकाट की जनता जो घर घर में ज्योति सिंह महिलाओं से मिली और महिलाओं से मिलकर वोट मांगी, तो क्या सच में इस बार फैक्टर साबित हो रहा है और किन मुद्दों पर काराकाट की जनता अब वोट मांग रही है, वोट दे रही है? एक बार सब लोग उंगली दिखा दीजिएगा, उंगली कर दीजिए, देखिए ये तमाम लोग ये वोटर हैं और देखिए साफ तौर पे ये वोट मार के अभी आए हुए हैं। वैसे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हैं तो आपकी क्या राय है, क्या इस बार कौन बाजी मार रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हेडलाइन भारत, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।